नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। और साथ साथ आप सबको मकर संक्रांति के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हम आपको बताते हैं मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, 14 या 15 को। तो 15 तारीख को मनाई जाएगी, 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति पर्व मनाई जाएगी, क्योंकि उस दिन सूर्य भगवान मकर में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका ज़्यादा महत्व माना गया है, इसलिए 15 तारीख को मनाई जाएगी। तो आइए आपको बताएं उस दिन दान में क्या दिया जाता है, क्या बनाया जाता है घर में। ऐसा कि पहले सुबह सुबह आप लोग स्नान करिए, बच्चों का स्नान कराइए, एक खिचड़ी निकाल के रख दीजिएगा और उसमें बाजरे का खिचड़ी बना के दिया जाता है, शुभ माना जाता है। और उड़द का दिया जाता है और इसका मूंग का दिया जाता है। तो जिस जो आपके यहाँ दिया जाता होगा वो आप देना, क्योंकि हर साल जो आप देती हैं वही देना। वैसे जो है क्या कहते हैं, कंबल दिया जाता है, गर्म कपड़े दिए जाते हैं पंडित जी को, और जिसको सामर्थ्य, आप सामर्थ्य के हिसाब से अपना दान देना चाहिए, जितना आपके पास सामर्थ्य है, श्रद्धा है, उतना दान देना चाहिए। और पंडितों को आप कपड़ा वस्त्र दे सकती हैं, गर्म कपड़े दे सकती हैं, जैसे कंबल है, कपड़े गर्म स्वेटर वगैरह दे सकती हैं। और लड्डू दीजिए, तिल का लड्डू का महत्व बहुत माना गया है, तिल का लड्डू और बाजरे का लड्डू, तिल का पट्टी, तिल का कोई भी चीज़ मिला हुआ चीज़ होता है गुड़ के साथ, वो बहुत महत्व माना जाता है दान देने के लिए। तो और आप इसे सभी का छाता वगैरह भी दे सकती हैं पंडित जी को, और जिसको मतलब ज़रूरतमंद को भी आप दान दे सकती हैं, खिचड़ी बना के खिला सकती हैं, उन लोगों को भी खिचड़ी का दान देना चाहिए। और फल फूल भी दे सकती हैं, फल में शकरकंद है वो दान दीजिए, अमरूद है, केला है, समय के हिसाब से जो फल चलते हैं वो आप दे सकती हैं। तो देने में दक्षिणा अपने सामर्थ्य के हिसाब से दीजिएगा, श्रद्धा के हिसाब से। तो आप जो थाली में निकाले रहेंगी सब, जैसे लड्डू 5 तरह का 7 तरह का लड्डू आप मंगाए रहेंगी, जैसे गुड़ का पट्टी है, गुड़ का लड्डू है, गुड़ का तिल का लड्डू, तो 5 बार एक अलग बर्तन में निकाल दीजिएगा, बच्चों को 5 बार मंत्र द्वारा आप इस तरह से आप उसको छुआ देना बच्चों से, अपने आप पति से, फिर उसके बाद दान दिया जाता है पंडित को। और आप उसमें उधर खिचड़ी बना के खाइए, और खिचड़ी का दान का भी महत्व है। और हवन का बहुत महत्व है, उस दिन हवन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उपले का कंडा मंगा के आप उसमें 11 कर दीजिए, 11 भी नहीं बन पा रहा तो आप दीप दान का बहुत महत्व है, दीप दान करिए, पौधों में दीप दान करिए, अपने आंगन में, छत पे, भगवान जी के समीप और बालकनी में, जहाँ आपका मतलब लगे आपको अच्छा, मतलब मंदिरों में जाके आप दीप दान करिए, दीप दान का बहुत महत्व है। अगर आप गंगा स्नान करने जा रही हैं तो वहाँ पर दान पुण्य करिए, दीप दान करिए। अगर गंगा स्नान नहीं जा पा रही हैं तो घर पे भी आप स्नान करके दीप दान कर लीजिए, घर में गंगा जल हो तो गंगा जल डाल दीजिएगा, काला तिल डाल दीजिएगा, काला तिल का उपटन बना के मालिश करिएगा, ये सब चीज़ बहुत फलित माना गया है, महत्व माना गया है अपने आप में। तिल का उस दिन तिल का दान, तिल का मालिश, तिल का उपटन बना के बहुत महत्व माना गया है सब चीज़ों। और हमारे चैनल को आप अच्छे लगी हो वीडियो हमारे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।